गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम लोग नवली शिवाला पर हैं और यहाँ कुछ लोगों से, गांव वासियों से कुछ जानकारी लिया जाएगा कि यहाँ का जो आगे 2024 में चुनाव चलेगा वो कैसा है या इन लोग का विचार क्या बन रहा है। तो भैया, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे आप? पप्पू प्रजापति जी। तो आपको इस समय के जो सांसद हैं अफजाल अंसारी जी, तो इनका काम कैसा लग रहा है? लड़का है अब्बास अंसारी हैं। अच्छा, चलिए, जो भी हैं सांसद वर्तमान में जो सांसद हैं उनका काम कैसा लग रहा है आपको? काम तो इधर तो कुछ दिखाइए नहीं दे रहा। अनिल बटा सन्नाटा कभी वो तो आते होंगे ना, यहाँ पर आते होंगे, देखते होंगे क्षेत्र में। कभी काल तो मुलाकात होता है? नहीं, हमसे तो मुलाकात नहीं हुआ। कुछ बात वो नहीं हो पाती है? नहीं, कुछ लीजिए इतने है। अच्छा, इससे पहले जो थे भाजपा के रहे हैं आपके सांसद मनोज सिन्हा जी, तो उनका काम कैसा लगा? सर, अगर हम बताना चाहें तो अगर फील्ड वर्क में उनका काम जो सामने दिखाई देता है, जी काम हुआ है। लेकिन इनके जो अब्बास अंसारी जी हैं तो इनका काम स्लो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा मल्ट कर देते हैं। सर, अब्बास अंसारी जी बता रहे हैं बड़ी स्लो हैं, तो हो सकता है उनका शासन, मतलब केंद्र में उनका राज्य वो नहीं है, इस वजह से हो सकता है? यही वजह है, कोई सुनवाई नहीं होती होगी। जी, यही सुनवाई नहीं होता है। वजह यही है कि उनका शासन नहीं है, इसीलिए वो दबे पड़े हुए हैं। चलिए, अच्छा, आगे 2024 में किसका विचार बन रहा है आप लोग का, कि किसको दिया जाए तो अच्छा रहे, हमारे क्षेत्र का विकास हो? हम तो सर BSP को वोट देंगे। BSP को वोट देंगे। चलिए, अच्छी बात है जी। सर, आपका नाम? अजीत कुमार। आप कुछ बताएंगे कि 2024 में किसका विचार बन रहा है? अरे, ऐसे तो हम लोग BSP को ही चुने हैं। अच्छा। हाँ, अब आगे देखते हैं, अब कौन किधर जाता है उसके बाद ही पता लगेगा। यानी माहौल का इंतजार करेंगे कि माहौल कैसा बन रहा है, वोट जाया ना जाए कुल मिला के। लेकिन सुनने में तो आ रहा है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी भी सही काम कर रहे हैं। अच्छा, मगर ऐसा है कि देखिए, कुछ ऐसी मतलब लोग उनसे भड़क गए हैं कि सब लोग नहीं उनका साथ दे रहे हैं। मुस्लिम वाली बात आ गई। हाँ सर, बस हिंदू मुस्लिम वाली बात आ गई है, लोग भड़क गए हैं कि बस मंदिर मस्जिद को लेकर के सब शासन किया जाता है, लोगों को भ्रमित किया जाता है वोट के नाम पे। अच्छा, बात यही है सर। अच्छा, आपका नाम सर? वीरेंद्र। आप कुछ बताइए कि 2024 में क्या विचार बन रहा है? हम लोग को विचार वही बन रहा है कि सरकार बदलना चाहिए, कुछ काम होना चाहिए। काम होना चाहिए तो है, काम होना चाहिए तो। अरे, महंगाई तो अब तो कम कर दिए हैं। टमाटर देखिए कितना सस्ता हो गया है। टमाटर तो पता चलता है कितना सस्ता होगा, तुम लोग खा रहे हैं। मेवा का दाम हो गया है टमाटर। हर चीज पे टैक्स हो गया है, इतना जैसे कि निचले स्तर के लोग, जो गरीब लोग हैं, वो काफी त्रस्त हो चुके हैं। बिल्कुल आपके बातों से सहमत हैं। जी, गरीब आदमी खा पाएंगे? रहर की दाल 700 रुपया किलो है, अरे पसेरी है, 140 रुपया। तो गांव में गैस सिलेंडर भी तो फ्री में बांट रहे हैं। सब्सिडी तो सर पहले सब्सिडी आता था लगभग 400 रुपये या फिर 365 ऐसे करके आता था, लेकिन सरकार की ये चालाकी देखिए कि आज सब्सिडी कितना आता है, 60 रुपये 62 रुपये आता है। ये सरकार की तकनीक है। अच्छा, पहले दो, उसके बाद कुछ लोगों को बांटे, फिर जनता से निकालो। बात यही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। सनोज कुमार। अच्छा, आपका 2024 में किसका विचार बनना है कि किसको वोट दिया जाए? भाजपा ही कर रहा हूँ। भाजपा को? यानी उनका काम अच्छा चल रहा है तभी ना विकास।